आप हॉलीवुड की साइंस मूवीज देखते होंगे, देखकर आपका मन रोमांचित हो जाता होगा। सोचते होंगे कि काश हम भी ऐसे ही किसी स्पेसशिप से अंतरिक्ष का सफर कर पाते और जहां मन चाहे वहां अपने स्पेसशिप को रोककर किसी भी प्लेनेट का दीदार कर लेते। क्योंकि फिल्मों में तो ब्रह्मांड को ऐसे ही कलरफुल दिखाते हैं, ऐसा लगता है जैसे मानो हम सपनों की दुनिया में आ गए हों। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, अंतरिक्ष में आपने छोटे छोटे खिलौने टाइप जहाजों को आपस में लड़ाई करते हुए देखा होगा और जब वे आपस में टकराते हैं तो ऐसा साउंड आता है जैसे आपके कानों के पास आकर आकाश की बिजली कड़क गई हो। क्या आप ऐसी मूवीज को देखकर उन्हें हकीकत मान लेते हैं? क्या आप वही सोचते हैं जो वो दिखाते हैं? हकीकत में अंतरिक्ष आपकी सोच से भी खतरनाक है। जैसा आप देखते हैं वैसा कुछ भी नहीं होता, आपको बस खुली आंखों से बेवकूफ बनाया जाता है। जब हॉलीवुड की फिल्म ग्रेविटी रिलीज हुई थी तो इस फिल्म ने एक बहस को जन्म दे दिया था कि साइंस मूवीज कितनी सही हो सकती हैं, क्योंकि इन फिल्मों में आपको एंटरटेन कराने के लिए ऐसी चीजें दिखाई जाती हैं जो किसी भी सूरत में अंतरिक्ष में नहीं हो सकती। यानी कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनमा जोड़ा। आज हम आपको इसी सच्चाई से रूबरू कराने वाले हैं। नंबर वन, आपने इंटरस्टेलर मूवी तो जरूर देखी होगी। इस फिल्म में कूपर नाम का एक कैरेक्टर है जो ब्लैक होल में गिर जाता है और वहां से फ्यूचर में पहुंच जाता है। हमने इस सीन को बड़े मजे से देखा और सोचने लगे कि कूपर की तरह हम भी किसी दुनिया का सफर कर पाते। लेकिन भैया रुक जाओ, मैं आपके सपने को यहीं तोड़ता हूँ, क्योंकि फिल्म वालों ने आपको बेवकूफ बना दिया। हमने पढ़ा है कि ब्लैक होल काफी खतरनाक होते हैं और इसकी ग्रेविटी बहुत 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 ज्यादा होती है, इतनी ज्यादा कि आपको बिना परमिशन के आपके घर से खींच ले। अगर कोई इंसान ब्लैक होल के पास जाएगा तो उसके शरीर के पार्टिकल एक एक करके अलग होने लगेंगे और ब्लैक होल में तो शरीर के सभी पार्टिकल अलग हो जाएंगे, तो इंसान जिंदा कहां से रहेगा। पर कूपर तो बहुत बड़ा भाग्यशाली था, उसे वरदान मिला था कि तुम कभी नहीं मरोगे और इसीलिए उसने ब्लैक होल के अंदर जाकर समय यात्रा कर ली और इंटरस्टेलर वालों ने इस तरह साइंस की हत्या कर दी। लेकिन जो भी कहो, इंटरस्टेलर मूवी बहुत गजब की है। वैसे आप ब्लैक होल के बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं तो हमने इस पर एक 11 मिनट का वीडियो बनाया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। नंबर टू, डीप स्पेस का सिनेरियो काफी अलग है। वहां एलियन स्पीशीज, एस्टेरॉयड और सोलर फ्लेयर से हमारी पृथ्वी को काफी खतरा है, पर पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर की वजह से हम कुछ हद तक सुरक्षित हैं। लेकिन जैसे ही आउटर स्पेस में जाएंगे वहां हमारी मदद कोई नहीं करेगा। अगर हम स्पेस सूट ना पहने तो हम अंतरिक्ष के खतरनाक रेडिएशन की वजह से क्षण भर में मर जाएंगे। कई साइंस मूवीज में दिखाया गया है कि आउटर स्पेस ज्यादा खतरनाक नहीं है, बल्कि पृथ्वी की लोअर ऑर्बिट और वैन एलन रेडिएशन बेल्ट ज्यादा खतरनाक है। मूवीज में दिखाया जाता है कि एस्ट्रोनॉट को सबसे ज्यादा परेशानी इसी जगह होती है और आउटर स्पेस में कोई परेशानी नहीं होती, पर असल में वहां हमें वैन एलन रेडिएशन बेल्ट और पृथ्वी के लोअर ऑर्बिट से कई हजार गुना ज्यादा परेशानी होती है। नंबर थ्री, अगर हम सबसे खराब विज्ञान फिल्मों की बात करें तो वो फिल्में हैं जो स्पेस में बड़े धमाकों और इंजन की आवाज दिखाती है। हम जानते हैं कि स्पेस में हवा नहीं है तो वहाँ कोई आवाज कैसे हो सकती है। यहाँ तक कि आप अपने बगल में खड़े इंसान से भी कुछ नहीं कह सकते क्योंकि वहाँ तक आपकी आवाज कभी नहीं जा सकती। लेकिन फिल्मों में तो ये इतने आराम से दिखाया जाता है जैसे ब्रह्मांड का निर्माण उन्हीं ने किया हो। यही नहीं, फिल्मों में जब किसी स्पेस क्राफ्ट में धमाका होता है तो उसकी आवाज नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिल्म वाले आपको आराम से बुद्धू बना देते हैं। नंबर फोर, आपने कई फिल्मों में देखा होगा कि अंतरिक्ष में मन चाहे वहाँ स्पेस क्राफ्ट को रोक देते हैं, जैसे अंतरिक्ष हमारे मनमर्जी का मालिक हो। मतलब इंजन बंद किया और स्पेस क्राफ्ट वहीं रुक गया। अरे कितना बेवकूफ बनाओगे यार। मेरे प्यारे दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है। अंतरिक्ष में इंजन को चालू रखने के कई कारण होते हैं, लेकिन इसकी स्पीड बनाए रखना इसका कारण नहीं है। अगर आप इंजन बंद कर देते हो तो आप वहाँ नहीं रुकने वाले, इवन आप कहीं भी नहीं रुकोगे, वो आगे चलता ही जाएगा, क्योंकि अंतरिक्ष में फ्रिक्शन यानी घर्षण बल नहीं होता। नंबर फाइव, आपने स्पेस सूट तो देखे ही होंगे, हकीकत में नहीं बल्कि फिल्मों में। वैसे हमारे इसरो ने भी स्पेस सूट बनाया है जिसका रंग ऑरेंज यानी भगवा है।
स्पेस सूट बहुत बड़े और भारी होते हैं। आपने स्टार वॉर्स मूवी देखी होगी जिसमें एक्टर ल्यूक स्काईवॉकर स्पेस सूट को खुद से ही ऐसे पहन लेता है जैसे वो कितना बड़ा बाहुबली है। अरे ये छोड़ो, वो स्पेस सूट पहनकर इतने आराम से मूव करता है जैसे कितना बड़ा पहलवान हो, और हरियाणा के सारे पहलवानों की ताकत जैसे उसी में आ गई हो। भाई साहब, फिल्म वालों, ये आपने बहुत बड़ी गलती दिखाई है। कम से कम फिल्म बनाने से पहले नासा वालों से ही पूछ लिया होता। असल में स्पेस सूट पहनने के लिए आपको कम से कम 2 से 3 लोग चाहिए। यही नहीं, स्पेस सूट पहनने के बाद आप अपने हाथ को भी सही से नहीं उठा सकते। अगर आप भविष्य में कोई साइंस फिल्म देखें और उसमें कोई भी एस्ट्रोनॉट स्पेस सूट पहनने के बाद भी पूरी तरह से कंफर्टेबल दिखे और अपने शरीर के अंगों को फ्रीली मूव करे, तो समझ जाना कि फिल्म मेकर्स आपको बेवकूफ बना रहे हैं। नंबर 6, आपने फिल्म ग्रेविटी तो देखी ही होगी। बहुत अच्छी मूवी है। इसमें सबसे बड़ी खामी ये थी कि जब कोई भी स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में भेजा जाता है तो सबकी ऊंचाई अलग अलग होती है जिससे वे कभी आपस में ना टकराएं। लेकिन मूवी में समुद्र की सतह से 560 किलोमीटर ऊपर स्थापित हबल स्पेस टेलीस्कोप, 400 किलोमीटर ऊपर चक्कर काट रहे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और एक चीनी स्पेस स्टेशन को एक साथ ही दिखा दिया, जो कि कभी नहीं हो सकता। साथ ही इसके अलावा ज्यादातर उपग्रह पश्चिम से पूर्व की तरफ पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं, जबकि फिल्म में उपग्रह का कचरा पूर्व से पश्चिम में जाता दिखाया गया है। नंबर 7, ग्रेविटी मूवी की एक्ट्रेस मुझे बहुत अच्छी लगी, जिसका नाम है सैंड्रा ब्लॉक। भला की खूबसूरत है और एक्टिंग भी अच्छी करती है। वैसे इनकी उम्र 50 के पार जा चुकी है और फिल्म में इनके सिर के बाल मुझे बहुत अच्छे लगे। वैसे उन्होंने बॉयकट करा रखा था, लेकिन जब ये जीरो ग्रेविटी में थी तो इनके बाल नीचे क्यों गिरे हुए थे? कायदे से ऊपर उठने चाहिए थे। क्या उन्होंने जेल लगा रखा था? माफ करिए, अगर जेल भी लगाया होता तब भी ऊपर आते। नंबर 8, हमने फिल्मों में देखा है कि एस्ट्रोनॉट्स स्पेस क्राफ्ट में बैठते हैं और रॉकेट ऊपर की तरफ सीधा उड़ जाता है और तुरंत अंतरिक्ष में पहुंच जाता है। पर क्या आप जानते हैं कि असल में ऐसा नहीं होता? स्पेस क्राफ्ट जब एटमॉस्फेयर की लेयर को पार करता है, उस समय साइंटिस्ट को सबसे ज्यादा परेशानी होती है। उन्हें ये देखना होता है कि स्पेस क्राफ्ट कितनी डिग्री में और किस दिशा में झुका है, साथ ही आसपास कौन सी गैस है, उस पर एयर प्रेशर कितना है। ऐसा नहीं है कि जब मुंह उठाया तब चल दिए। अगर साइंटिस्ट ये सब ध्यान ना रखें तो एटमॉस्फेयर के फ्रिक्शन की वजह से स्पेस क्राफ्ट का अंत हो सकता है। नंबर 9, अ न्यू होप और रिटर्न ऑफ द जेडी नाम की मूवीज में आपने देखा होगा कि एक तारा ब्लास्ट होता है जो कि फटते वक्त आग उगलता है, साथ ही उस ब्लास्ट से काफी ज्यादा आवाज आती है। ये सीन बहुत ही गजब का था, पर मेरे प्यारे फिल्म मेकर्स, पूरी दुनिया जानती है कि स्पेस में साउंड नहीं होता और साथ ही वहाँ ऑक्सीजन ही नहीं है, तो उस स्टार के फटने से आग कहाँ से आया? आग उसी जगह संभव है जहाँ ऑक्सीजन मौजूद होता है। अब आपके मन में सवाल होगा कि फिर सूरज में आग कहाँ से आता है? तो आपको बता दें कि सूर्य असल में आग का गोला नहीं है, वो विशालकाय हाइड्रोजन और हीलियम का गोला है जिसके रिएक्शन से वो आग जैसा दिखता है। नंबर 10, आपने एक चीज देखी होगी कि जीरो ग्रेविटी में हर चीज स्लो मोशन जैसी लगती है। चाहे आप नासा की वेबसाइट में जाकर जीरो ग्रेविटी वाले वीडियोस देख लो या फिर नासा के अपोलो मिशन में चांद पर गए लोगों की वीडियो, ऐसा लगता है कि ग्रेविटी जितनी कम होगी दुनिया स्लो मोशन की तरह हो जाएगी। यहाँ तक कि हर स्पेस मूवीज में यही दिखाया जाता है, पर जीरो ग्रेविटी या लेस ग्रेविटी का मतलब स्लो मोशन वर्ल्ड नहीं होता। नासा की वीडियोज में चीजें थोड़ी स्लो मोशन जैसी टाइप इसलिए दिखती है क्योंकि वो चीज किसी यान के अंदर होती है, और चांद पर गए एस्ट्रोनॉट्स इसलिए स्लो मोशन वीडियो की तरह लगते हैं क्योंकि उनका स्पेस सूट काफी अनकंफर्टेबल होता है और इसी कारण उन्हें बॉडी मूवमेंट करने में समय लगता है। नंबर 11, डीप स्पेस में ट्रेवल करते समय मूवीज में दिखाया जाता है कि एस्ट्रोनॉट मजे करते हुए यान में बैठकर ट्रेवल करते हैं, पर भाई माइक्रोग्रेविटी नाम की भी कोई चीज होती है। जब हम स्पेस में होते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पर ग्रेविटी बिल्कुल नहीं है। असल में हर जगह थोड़ी सी ग्रेविटी जरूर होती है जिसे माइक्रोग्रेविटी कहते हैं। माइक्रोग्रेविटी की वजह से स्पेस में बॉडी का कैल्शियम लेवल घट जाता है, किडनी स्टोन्स हो जाते हैं, साथ ही आंखों में प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, जिससे बचने के लिए एस्ट्रोनॉट्स को हर दिन 2 से 3 घंटे एक्सरसाइज करनी पड़ती है। तो देखा दोस्तों आपने कि साइंस मूवीज वाले आपको कितना बेवकूफ बनाते हैं। अगली बार जब कोई आप ऐसी मूवी देखें तो उसे सिर्फ मजे के लिए देखना, न कि इन्फॉर्मेशन के लिए। आज